खबर रीवा जिले से है, जहां एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर नशीली कप सिरप की तस्करी करने वाले आरोपी फरार हो गए हैं। पुलिस बुलेरो में लोड 14 पेटी नशीली कप सिरप बरामद कर ली है। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन के आधार पर चालक और तस्करों की तलाश कर रही है। पूरे मामले को लेकर एडिशनल SP अनिल सोनकर ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर उक्त गाड़ी को पकड़ने के लिए टीमें लगाई गई थी। उक्त गाड़ी उत्तर प्रदेश से चाकघाट पहुंची थी, जहां पहले से ही अलर्ट पुलिस ने घेराबंदी की तो तस्कर गाड़ी छोड़कर फरार हो गया। तलाशी लेने पर भारी मात्रा में नशीली कप सिरप बरामद कर ली गई है। आरोपियों के खिलाफ NDPC एक्ट की धारा के तहत मामला पंजीबद्ध किया है और आरोपियों को पकड़ने के लिए टीम लगाई गई है। आपको बता दें कि पुलिस मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी करती है, लेकिन पुलिस को चकमा देकर आरोपी फरार हो जाते हैं, जिससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरह से पुलिस के द्वारा घेराबंदी की जाती है और आरोपी भागने में सफल हो जाते हैं। चाकघाट में नशीली जो कप सिरप है, इसको लगातार लोग जो है पुलिस की नज़र बचा करके परिवहन करने का प्रयास करते हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना थी कि वहाँ कुछ अवैध परिवहन करने वाले, बिक्री करने वाले लोग जो है उत्तर प्रदेश से कप सिरप ला रहे हैं। इसकी सूचना पर साहब ने जो चाकघाट और SDOP देवथर को जो है उनकी टीम को लगाया गया था। टीम उसकी प्रतीक्षा में एम्बुस लगा के बैठी थी और एक सफ़ेद कलर की बिलेरो जिसका नंबर है MP 53 TA 1893, ये बड़ी तेज़ी इसके साथ आई और पुलिस ने जब घेराबंदी करने का, पकड़ने का प्रयास किया तो तेज़ी से वो जा करके अंधेरे में गाड़ी खड़ी करके और पुलिस के पहुंचने तक वो भागने में सफल हो गए। गाड़ी को जो है तलाशी ली गई, तब उसमें से 14 पेटी 1680 सीसियाँ कफ सीरत की बरामद हुई, जो अवैध परिवहन और विक्रय के लिए ले जाई जा रही थी। चाक घाट की पुलिस टीम बना करके उस दिशा में जहां भागने की संभावना है वहां भेजी गई है, जिसमें चालक और उनके साथियों को पकड़ने के लिए। उनके पकड़े जाने पर आगे की विवेचना होगी कि ये कप सिरप कहां से लाई जा रही थी और कहां। आ जाओ, पहले तो जा रही पूरे।